डी डवाना के आदि शक्तिपीठ जोगा मंडी धाम राजा भरतरी की तपोस्थली में आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर नाथ जी महाराज पीर योगी लक्ष्मण नाथ जी महाराज नगर भ्रमण के लिए निकले। आपको बता दें कि महाराज रथ पर विराजमान होकर नगर भ्रमण के लिए निकले। सर्वप्रथम महाराज ने योगेश्वर महादेव जोगेश्वर महादेव के दर्शन किए, पूजा अर्चना की, विधि विधान पूर्वक वहाँ पे बटकनाथ भैरव मंदिर गए, वहाँ पर पूजा अर्चना की, वहाँ से फिर सवारी प्रस्थान की जो नगर के विभिन्न मार्गों में गुजरी। आपको बता दें कि जोगा मंडी से आरंभ होकर बटकनाथ भैरू चुंगी चौक की होते हुए काजियों के मोहल्लों में पहुंची, जहां पर मुस्लिम समुदाय के द्वारा महाराज श्री की सवारी का स्वागत अभिनंदन किया गया, श्रीफल भेंट किया गया और वहीं से आगे चलते हुए सवारी माथुरों का चौक पहुँची, जहाँ पर भी महाराज श्री का स्वागत अभिनंदन किया गया। वहीं वहाँ से सवारी गुदड़ी बाजार सदर बाजार नागौरी गेट होते हुए महादेव मंदिर गई, नागौरी गेट स्थित वहाँ से कचहरी परिसर के लिए प्रस्थान किया। कचहरी परिसर में उपखंड कार्यालय में महाराज श्री का जनप्रतिनिधियों ने स्वागत अभिनंदन किया। आपको बता दें कि वहाँ से सवारी प्रस्थान करते हुए रामेश्वर महादेव मंदिर पहुँची, वहाँ से महाकाल मंदिर, वहाँ से पुलिस थाना डीरोना पहुँची, जहाँ CI राजेश डूडी के नेतृत्व में महाराज श्री का स्वागत अभिनंदन किया गया। पुलिस थाने से सवारी गई जो गुड़जी गली के बाहर दधीमती माता मंदिर गई, जहाँ पर महिलाओं ने महाराज श्री का आशीर्वाद लिया, स्वागत अभिनंदन किया गया। वहाँ से सवारी होते हुए वापस सदर बाजार गुदड़ी बाजार होते हुए फतेहबरी गेट की ओर गई। फतेहबरी गेट में खींची परिवार के द्वारा महाराज श्री का स्वागत अभिनंदन किया गया। शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई महाराज श्री की सवारी निकली। अंत में महाराज श्री की सवारी जोगा मंडी धाम आकर समापन हुई। आपको बता दें कि महाशिवरात्रि के अवसर पर काफ़ी संख्या में लोग महाराज श्री का आशीर्वाद लेने जोगा मंडी धाम पहुँचे व जगह जगह लोगों ने महाराज श्री का स्वागत अभिनंदन किया। आपको बता दें कि जोगा मंडी धाम के महाराज श्री के द्वारा एक रोटा दिया जाता है, उसकी कुछ खास विशेषता है आपको हम बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। रोटे की क्या विशेषता है? ये रोटा सुख समृद्धि, घर में सुख शांति, धन वैभव, कलेश कड़ा को दूर करने के लिए दिया जाता है। वहीं एक समय में काल पड़ा था, उसके बाद में परंपरा चालू हुई है। आपको बता दें कि महाराज श्री का आशीर्वाद सभी ने लिया, महाराज श्री ने सभी को रोटा भेंट किया। आपको बता दें कि आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से किस तरह लोग महाराज श्री का आशीर्वाद ले रहे हैं, जगह जगह स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं, माल्या पहना रहे हैं, श्रीफल भेंट कर रहे हैं, शॉल उड़ा रहे हैं, आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। और वहीं शाम को जोगा मंडी धाम में विशाल मेले का आयोजन भी किया गया, जिसमें काफ़ी संख्या में भक्त लोग पधारे और वहीं जोगा मंडी धाम में प्रसादी का सभी भक्तों ने परार का ग्रहण किया और महाराज श्री का आशीर्वाद लिया। एक बार पाछे खड़े हो जाओ। ये नहीं पापी नहीं थी ये थी।
आई आई ठीक देगी अच्छा लड्डू आओ ओके चलो छोड़ो टुवाल की ले लो उन्हें क्या नहीं पटवा बोले वो अभी ना हो थे इन्हें हो साइड हो Thank you.
चल रहा है। गगा मंडी वहाँ अनेकों महापुरुषों ने तपस्या की और उन्होंने दोनों धर्मों को लेकर साथ में चले और आज वो भी परंपरा आज भी वही परंपरा स्थापित है जो तो लेकिन निष्पक्ष भाव से और सबको एक साथ एक नज़र से देख के सबको एक साथ लेके आज भी ये मठ है ना सबके प्रति सद्भावना रखता है और उस हिसाब से मुस्लिम समुदाय भी जुड़ी हुई है और बाकी सभी समुदाय सनातन धर्म भी और मुस्लिम समुदाय भी जुड़ी हुई है इस मठ से और आदि मान सम्मान होती है जो इसका गादी पे जो नया महंत बैठता था सबसे पहले चादरकरण होती है जब सबसे पहले जो टोपी है ना वो मुस्लिम समुदाय की तरफ से पीर की पदवी दी जाती है इसलिए वहाँ के जो गादीपति बैठते हैं उनके पीर सबसे पहले लगते हैं वो तो बादशाहों के समय से भी इसकी मान्यता इस मठ की और उन्होंने भी माना और आज भी लोग मान रहे हैं। सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे देश को? बस कोई ईर्ष्या भाव नहीं रखना चाहिए सबको प्रेम से रहना चाहिए और सबको सम्मान और प्रेम भाव से जीवन जीना चाहिए सभी लोगों को। अपना अपना धर्म अपनी जगह है और अपना कर्म अपनी जगह है सभी को अपना कर्म करके खाना चाहिए कोई भी किसी से छीन के नहीं खाता आज के हर आदमी चाहे तो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो सब अपने कमाई करके खाता है कोई एक दूसरे से छीन के नहीं खाता फिर भी द्वेषता और ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए मनुष्य को प्रेम भाव से जीवन जीना चाहिए और ये परमात्मा की कृपा से जीवन संतों ने बताया कि 184 जिया जूनी भटकने के बाद में मनुष्य जीवन प्राप्त होता है इसको आदमी प्रेम भाव से जीना चाहिए और सद्भावना से जीना चाहिए दया भाव रख के जीना चाहिए सबको और सबको एक साथ रहना चाहिए। आया सो जावसी राजा रंग फकीर कोई सिंहासन चढ़ चले कोई बंदे जाए जंजीर तो ये संसार में जो भी मनुष्य आए तो सबको ही जाना है कोई भी यहाँ अमर नहीं है कोई भी राजा रंग फकीर जितने भी हुए ना सबको ऐसे मृत्यु ने एक दिन अपने चक्र में सबको लपेटा है तो सभी को एक ही गति है सभी परमात्मा ये तो बना दिया ऐसा ईर्ष्या का भाव बना दिया लोगों के पास द्वेषता पैदा कर दी और क्या मतलब सभी को असलियत किसी को भी नहीं पता है कि मनुष्य एक जगह से आता है और एक ही जगह जाता है शायद मनुष्य की माता के गर्भ से जन्म लेता है और जब मृत्यु होने के बाद में उस मनुष्य की मिट्टी होती है चाहे तो वो क्या मतलब जला के करो चाहे जमीन में दफना के करो आखिर में होनी तो उस देह की मिट्टी है ना तो मनुष्य को हमेशा प्रेम और भाव से जीना चाहिए सद्भावना रख के दया भाव रख के और भाईचारे से रहना चाहिए ये संदेश हम हर साल देने के लिए नगर में भ्रमण करते हैं।